राधा स्वामी धामरा मुहि वेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है वह अदर ठिकानी बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मुहि महिम सुनाई मेरा अनुराग जगाय के घर पहुँच भाई साधु संग कर सार रस में पिया भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति आई तड़प उठे वे कल रमो कसे पिया घर जाई दर्शन रस निकल कलमो घर मन चेताई सूरत चढ़े आकाश ने करे शब्द विलासा नाम नाम निर्मल चले कब निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा बिना सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जसे मांगो दाना प्रेम कार्य बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शिकर करूं जावत रहो नित राधा स्वामी तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकर करूंगा वच रहो नित राधा स्वामी सुकर करूंगा वच रहो नित राधा स्वामी बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार साधु संग मुनि देव पिता परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा धार बार बार बल जाओ तन मन बार चरण पर क्या मुखले निहर करे जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेवा जया सिंधु पुरंदरी नित करू तुम सेवा अचल भक्ति मुनि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ माथ गहा तुम आन कर अवरागो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु रागो मेरी लाजा तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर दक्षा तुम द्वारे अति विलंब क्यों दया करो मेरे साईया देवो प्रेम पिदार सुख सुख दसु व्यापेंगे छूटे सब उत्पार दया करो मेरे साईया देवो प्रेम पिदार सुख सुख दसु व्यापेंगे छूटे सब उत्पार बार बार कर जोर कर सविनय करू पुकार साधु संग मुनि देव पिता परम गुरु दातार साधु संग मुनि देव पिता परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री ब्रह्मे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदुपदन्नर्षितं येन तस्मै श्रीरवे नमः अज्ञानतिमरानतस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीरवे नमः स्थावरं जगत्तं व्याप्तं येन वृदस्मै चराचरं तदुपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीरवे नमः चित्तमेन परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीरवे नमोरधिकं तत्त्वं नमोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्रीरवे नमः मन्नाथो श्री जगन्नाथो मधुरो श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीरवे नमः गुरुराजर्णादिश्च गुरुर्वरं दैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुहृदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गातीतं गण्यसदृशं तत्त्वमस्यादिकं लक्ष्यम् एकं नित्यं निरन्तरं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर। अब नाम ध्यान का समय हुआ। हम लोग विश्व शांति के लिए 3 मिनट नाम ध्यान करेंगे। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। अब हम लोग वाणी पाठ की ओर चलते हैं। सत्यानुसरण पवित्र ग्रंथ से वाणी पाठ के लिए श्रद्धेय श्री नवल किशोर मिश्रा दा SPR जो पटना से हैं
उनसे मैं अनुरोध करता हूं। नवल किशोर मिश्रा दा, लगता है कि नहीं जुड़े हैं, इसलिए मैं ही वाणी पाठ करता हूं सत्यानुसरण से। विश्वास विरुद्ध भाव द्वारा आक्रांत होने पर ही संदेह आता है। विश्वास संदेह द्वारा अभिभूत होने पर मन जब उसे ही समर्थन करता है तभी अवसाद आता है। प्रतिकूल युक्ति त्याग कर विश्वास के अनुकूल युक्ति के श्रवण एवं मनन से संदेह दूरीभूत होता है, अवसाद नहीं रहता। विश्वास पक जाने पर कोई भी विरोध भाव उसे हिला नहीं सकता। प्रकृति विश्वासी को संदेही क्या करेगा या अवसादी क्या करेगा। संदेह को प्रश्रय देने से वह घून की तरह मन पर आक्रमण करता है। अंत में अविश्वास रूपी जीर्णता के चरम मलिन दशा को प्राप्त होता है। संदेह का निराकरण कर विश्वास की स्थापना करना ही ज्ञान प्राप्ति है। तुम यदि पक्के विश्वासी होते हो, विश्वास अन्वायी भाव से सिवाय जगत का कोई विरुद्ध भाव, कोई मंत्र, कोई शक्ति तुम्हें विभूत या तुम पर जादू नहीं कर सकेगा, निश्चय जानो। जय गुरु। अब मैं पवित्र ग्रंथ नारी नीति का पाठ करने के लिए आदरणीय पूनम मोहन मां से अनुरोध करता हूं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। नारी नीति का हिंदी पाठ बर बरन में असंस्त्र। यदि उपयुक्त स्वामी लाभ करना चाहती हो, पुरुष से दूर रहो, किसी को भी स्वामी के रूप में मत सोचो। कारण इससे मन काम लोलुप होकर तुम्हारी दृष्टि को अस्वच्छ कर देगा। किंतु जिन्हें स्वामी बनाना चाहती हो, उनके इष्ट आचार, वंश, यश, स्वास्थ्य, श्रद्धा, ज्ञान इत्यादि तुम्हारे काम सहनीय और बहनीय है या नहीं अवलोकन करो, एवं मंगलाकांक्षी गुरुजन के साथ बातें करो। प्राप्ति में भ्रांति कमी होगी। पानी संख्या 66। जय गुरु। जय गुरु माँ। आज के पटना ऑनलाइन सत्संग में हमारे मधु माँ बहुत सुंदर संघ ध्वनि की, उसके बाद हमारे श्री आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद दा जो नरकटियागंज से, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से संगीत के साथ स्वर लय में प्रार्थना दिए हैं ठाकुर जी का, बहुत सुंदर। मैं इनके परम पिता से प्रार्थना करता हूँ इनका जीवन सुंदर हो, इष्टमय बना रखें और इसी तरह से हम लोगों को बीच आते रहें और इष्ट का कार्य करते रहें। इसके बाद मैं आदरणीय श्रीमती पूनम मोहन माँ का भी परमपिता से प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, क्योंकि उन्होंने भी बहुत नारी नीति का पाठ बहुत सुंदर ढंग से किए हैं। अब मैं भजन कीर्तन की ओर बढ़ता हूँ और इसमें सबसे पहले तो श्रीमती संगीता विश्वास माँ कोलकाता से का नाम है, माँ जुड़ी हैं। समिता विश्वास माँ कोलकाता नहीं जुड़ी, अतः मैं श्वेता मोहन बेटी से अनुरोध करता हूं कि सुंदर सा भजन दें। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आवाज आ रही है दादा? हाँ आ रही है। प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी। विश्वकारण हे पुरुषोत्तम, विश्वकारण हे पुरुषोत्तम,
जीवन रक्षाकारी विभव विभूति प्रेमी नारायण विभव विभूति प्रेमी नारायण ठाकुर प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी विश्व पारिन हे पुरुषोत्तम विश्व पारिन हे पुरुषोत्तम जीवन रक्षाकारी विभव विभूति प्रेमी नारायण विभव विभूति प्रेमी नारायण ठाकुर प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी सिंह सुशोभित आभा मंडित सिंह सुशोभित आभा मंडित दिव्य तनु चिर भुवन वंदित दिव्य तनु चिर भुवन वंदित सिद्ध परिपूरणी लोकवर्धनी सर्व परिपूरणी लोकवर्धनी सर्व परिपूरणी लोकवर्धनी प्रभुवर इष्ट अभिषारी मंगल सुंदर पृष्ठ सुधाकर करुणा विगलित सुभद अंतर मंगल सुंदर पृष्ठ सुधाकर करुणा विगलित सुभद अंतर अमंगल सुंदर पृष्ठ सुधाकर करुणा विगलित सुभद अंतर मंगल सुंदर पृष्ठ सुधाकर करुणा विगलित सुभद अंतर धृति कृत पोषणी धृतिकृति पोषणी धृतिकृति पोषणी धृतिकृति पोषणी धृतिकृति पोषणी धृतिकृति पोषणी सासत दीपनी आदर्श धर्मचारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी विश्वकारिण हे पुरुषोत्तम विश्वकारिण हे पुरुषोत्तम जीवन रक्षाकारी विभव विभूति प्रेमी नारायण विभव विभूति प्रेमी नारायण ठाकुर प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी दुख वेदन शोक ताप हरण दुख वेदन शोक ताप हरण मुक्ति विधायक परम शरण मुक्ति विधायक परम शरण सर्व परिपालनी काल विनाशिनी सर्व परिपालनी काल विनाशिनी सर्व परिपालनी
काल विनाशिनी त्रिभुवन शताधारी दीने दया में अनंत आसे चरण प्रांत में दुरित सर्व भय दीने दया में अनंत आसे चरण प्रांत में दुरित सर्व भय दीने दया में अनंत आसे चरण प्रांत में दुरित सर्व भय दीने दया में अनंत आसे चरण प्रांत में दुरित सर्व भय जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी जीवन स्वामी प्रभु परमामी सद्गुरु प्राण बिहारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी विश्व कारण हे पुरुषोत्तम विश्व कारण हे पुरुषोत्तम जीवन रक्षाकारी विभव विभूति प्रेमी नारायण विभव विभूति प्रेमी नारायण ठाकुर प्रभु अवतारी 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 जय गुरु जय गुरु बेटी। बहुत सुंदर भाव से श्वेता मोहन बेटी जो है इस भजन का प्रवेशन किए और प्रभु हमारे सचमुच में अवतारी हैं, पुरुषोत्तम हैं और हम लोगों के रक्षक के रूप में आए हैं, सबके कल्याण करेंगे, इसलिए हम उनका ही गुणगान करें, इसी में हम लोग आनंद है। और हमारे श्वेता मोहन को बहुत ही इष्ट प्राण है ये, और इस तरह से इनका जो लय है और ये भजन के ये में और हर तरह से बहुत ही आगे बढ़ती जा रही है, निखरती जा रही है, इतना इनमें इष्ट प्राणता भरी हुई है। मैं और परमपिता से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें और जो है उनको हर तरह से जो मनोकामना चाहते हैं, जो चाहती हैं, सब पूरा करें, सब। जय गुरु। अब मैं अगली कड़ी में रेणु सिन्हा माँ बोध गया से मैं अनुरोध करता हूँ एक सुंदर सा भजन प्रवेशन करें। माँ जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। सुंदर आवाज है। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के श्री चरण में अर्पण। परम आराध्य जगत जननी शिष्य वर्मा के श्री चरण में अर्पण। परम पूजपा शिष्य वरदा के श्री चरण में अर्पण। परम पूजपा शिष्य आचार्य देव के श्री चरण में अर्पण। ठाकुर परिवार के श्री चरण में अर्पण। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित हमारे परम श्रद्धेय ऋतिक देवतागण सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो तेरा दी दार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखो तेरा दी दार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दी
दार काफी है ये झूठे रिश्तेदारों ने फैलाए जाल है झूठे ये झूठे रिश्तेदारों ने फैलाए जाल है झूठे प्रीति हो तेरे भक्तों से प्रीति हो तेरे भक्तों से यही परिवार काफी है जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है ये झूठे राग बाजों से हुए हैं कान ये बहरे ये झूठे राग बाजों से हुए हैं कान ये बहरे सुनूं मैं नादयन हद का सुनूं मैं नादयन हद का यही झनकार काफी है जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है करूं मैं प्यार किस किस से करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है फिकी रोशना से हमारी भर गई आंखें फिकी रोशना हमारी भर गई आंखें मैं देखूं नूर एक तेरा मैं देखूं नूर एक तेरा यही दीदार काफी है जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है करूं मैं प्यार किस किस से करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है ये सा दुनिया सारी है झूठी ये सारी महफिले झूठी ये दुनिया सारी है झूठी ये सारी महफिले झूठी चली आऊं मैं सत्संग में चली आऊं मैं सत्संग में यही दरबार काफी है चली आऊं मैं सत्संग में दरबार काफी है जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है करूं मैं प्यार किस किस से करूं मैं प्यार किस किस से
तेरा एक प्यार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भाव से, बहुत मधुर स्वर में, सुरीला आवाज में आपने भजन का प्रसंग किया और यह बहुत ही सुंदर भाव से कि जगत का रंग क्या देखूं, तेरा दीदार ही काफी है। हमारे पुरुषोत्तम जो आए हुए हैं, पुरुषोत्तम को हम लोग पकड़ लिए हैं, उनके सिवा प्रेम करने के अलावा और क्या दूसरा राय है। किसी से प्रेम करना उतना अच्छा नहीं लगता जो हमारे परम पिता से प्रेम कर लेते हैं। इसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। माँ का भजन तो इतना अच्छा होता है, मैं बराबर हमेशा सुनते रहता हूँ जुड़ करके। और इनका एक सुर और लय, चूंकि बोध गया से है, गया से है, एक अलग ढंग का है, पूरे माहौल को ही अलग अद्भुत बना देती है। बहुत सुंदर और अच्छा इस चर्चा भी करती है। मैं इसके लिए परम पिता से, मैं रेणु माँ के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें शतायु बनाएं, सुंदर स्वस्थ रखें, जो इनकी मनोकामना हो पूरे परिवार के साथ सब कुछ इनको पूर्ति करे। रेणु माँ को जय गुरु माँ। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु माँ। अब मैं इस भजन की अगली कड़ी में वंदना कुमारी बेटी से अनुरोध करता हूँ कि सुंदर सा भजन मुझे रखें। जी दादा, जय गुरु। जय गुरु बेटी। वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्। प्रम प्रेम शिष्य अनुकुल चंद्र ठाकुर जी के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। जगत जननी माँ बड़मा जी के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। ठाकुर परिवार के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े जितने दादा माँ प्रिय बच्चों, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। मैं एक दीपाली का भजन प्रस्तुत करती हूँ ठाकुर जी के चरणों में। अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते संवर जाएंगे, जपते जपते संवर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, बेतरनी तो तर जाएंगे, बेतरनी तो तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते समर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया, ठाकुर जी की नैया, बेतरनी तो तर जाएंगे, बेतरनी तो तर जाएंगे। राम सुनो, रहीम सुनो, और सुनो तुम राम सुनो, रहीम सुनो, और सुनो तुम करता। उनके जहां में खो कर देखो, उनके जहां में खो कर देखो, तुमको मिलेगा सब संसार, तुमको मिलेगा सब संसार। अब जब खुद वो घर घर आए, अब जब खुद वो घर घर आए, अब ना हम दर दर जाएंगे,
अब ना हम दर दर जाएंगे, ठाकुर जी की नैयाई, ठाकुर जी की नैयाई, बेतरनी तो तर जाएंगे, बेतरनी तो तर जाएंगे, आओ जोड़ दे समाज के टुकड़े, आओ जोड़ दे समाज के टुकड़े, सुख दुख में अब संग चल के, आओ जोड़ दे समाज के टुकड़े, सुख दुख में अब संग चल के, धर्म शरीर है जीवन शरीर के, धर्म शरीर है जीवन शरीर की, धर्म एक सब मजहब के, धर्म सब है एक मजहब के, देख जहां को उनकी नजर से, देख जहां को उनकी नजर से, भेदभाव से लड़ जाएंगे, भेदभाव से लड़ जाएंगे, ठाकुर जी की नैयाई, ठाकुर जी की नैयाई, बेतरनी तो तर जाएंगे, बेतरनी तो तर जाएंगे, अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते संवर जाएंगे, जपते जपते संवर जाएंगे, अब ना हम दर दर जाएंगे, अब ना हम दर दर जाएंगे, बेतरनी तो तर जाएंगे, बेतरनी तो तर जाएंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु जी। बहुत सुंदर भाव से आपने प्रश्न किया इस भजन को, कि जब प्रभु का नाम पाया है तो हम सब कुछ पा लेंगे इस दुनिया में, और हमारे ठाकुर जी तो हर घर घर में पहुंच रहे हैं, हमको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। कितना सुंदर भाव से सब कुछ, हम जब ठाकुर जी को पकड़ लेते हैं तो फिर हमको कुछ इस जीवन में बाकी ही नहीं रह जाता है, हमारी जो चाहत है जो इच्छा है सब हमारे ठाकुर जी प्रभु जी पूर्ति कर देते हैं, बस हमको गहरा विश्वास की जरूरत है, गहरे विश्वास से जब जुड़ जाएंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा, मांगने की आवश्यकता नहीं है प्रभु से, कुछ नहीं मांगने की आवश्यकता है, प्रभु अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं कि हमारे भक्तों को क्या चाहिए नहीं चाहिए, और उनकी आवश्यकता अनुसार हमेशा पूर्ति करते रहते हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है मांगने का, और आपको हमेशा मिलता रहेगा। अब मैं आज इस प्रार्थना के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी रहे, सारे परिवार सुख में रहें, और सब कुछ धन धान से आपको पूर्ति करें ठाकुर जी, आप सारे परिवार को, सारे बच्चों को, जो आकांक्षा है जो आप चाहती हैं सब पूरे करें ठाकुर जी। जय गुरु माँ, जय गुरु बेटी, जय गुरु दादा। अब भजन की अगली कड़ी में मैं नंदुदा पाकुड़ से हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि हम लोग बीच में एक सुंदर सा भजन प्रेषण करें। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु दादा, सुंदर आवाज आ रहा है आपका। जय गुरु, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि
चला रहे हैं। रचा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम पा रहे हैं। कच्चा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। कच्चा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। किसी धरा से शरीर पाए, किसी धरा में फिर सब समाए, किसी धरा से शरीर पाए, किसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, एका रहे हैं एका रहे हैं। सच्चा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सच्चा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम पा रहे हैं। सच्चा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सच्चा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे वही भी वापस बुला रहे हैं। सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सच्चा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम पा रहे हैं। सच्चा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सच्चा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। सच्चा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सच्चा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम पा रहे हैं। सच्चा है सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सच्चा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सच्चा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे।
जय गुरु दादा, जय गुरु सभी दादा माँ को, नंदादा, जय गुरु नंदूदा। बहुत सुंदर भाव से आपने भजन का प्रश्न किया और हम लोग आनंद विभोर हो गए सब श्रोतागण। बहुत सुंदर लगा, ऐसा हम वृक्ष लगाए हैं जिसका फल अभी हम पा रहे हैं। कितना सुंदर भाव है, हम लोग ठाकुर जी से जितने जुड़ते जाएंगे उसका फल हमको मिलना ही मिलना है, इसमें कोई अतिशुक्ति नहीं। अतः हम ठाकुर जी से जितना लोगों को जोड़ सकें और जोड़ें, इसी में हम लोगों का मंगल है, कल्याण है। और हम सबके लिए और खास करके आज नंदू जी के लिए मैं परम पिता से प्रार्थना करता हूँ कि सतायु हों, दीर्घायु हों और इनका सारे मनोकामना पूर्ण हो, स्वस्थ रहें और इसी तरह से इष्ट प्राण बने रहें और हम लोगों के बीच में आकर भजन के माध्यम से उद्भूत करते रहें। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। अब मैं इस भजन की अगली कड़ी में आदरणीय आनंद सिंह दा सतपति ऋत्विक पटना और धनबाद दोनों जगह रहते हैं से मेरा सादर अनुरोध है कि एक सुंदर सा भजन हम लोग बीच में रखें। दादा आप बहुत सुंदर भजन करते हैं, हम हमेशा आपका सुनते रहते हैं, गान में करते हैं, बहुत सुंदर दादा। प्रश्न करें दादा। जय गुरु दादा, आवाज आ रही है ना? आ रही आवाज दादा, सुंदर आवाज आ रही है। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तमम, परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकुलचंद जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। इस पवित्र ऑनलाइन सत्संग से जुड़े सारे श्रद्धालु माँ बहन भाई दादा ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मियों को मेरा जय गुरु प्रणाम। आप लोगों के समक्ष एक राधा स्वामी गीत है, वो लेकर उपस्थित हुआ, अच्छा लगेगा सुनकर। गुरु घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई, ये सूरत चदरिया ले उधोआई, सूरत चदरिया ले उधोआई, गुरु घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई, ये सूरत चदरिया ले उधोआई, सूरत चदरिया ले उधोआई, गुरु घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई, सेवा साबुन दर्शन मजन प्रेम कनीर भराई, सेवा साबुन दर्शन मजन प्रेम कनीर भराई, बचन की रेहा भाव की भाठी, बचन की रेहा भाव की भाठी, बिरह की अगन जराई, हो बिरह की अगन जराई, गुरु घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई, ये सूरत चदरिया ले उधोआई, सूरत चदरिया ले उधोआई, गुरु घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई, भक्ति नदी जहां निश दिन बहती, मलमल तो में महल गवाई, भक्ति नदी जहां निश दिन बहती, मलमल तो में महल गवाई, उज्ज्वल निर्मल हुई सूरत जब, उज्ज्वल निर्मल हुई सूरत जब,
ओढ़त मन अब अति हर खाई, ओढ़त मन अब अति हर खाई, गुरु घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई, ये सूरत चदरिया ले धोआई, सूरत चदरिया ले धोआई, गुरु घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई, चला गगन पर मिला शबद संग, चढ़त चढ़त त्रिकुटी दिंग आई, चला गगन पर मिला शबद संग, चढ़त चढ़त त्रिकुटी दिंग आई, शून्य शिखर चढ़ हंस रूप धर, शून्य शिखर चढ़ी हंस रूप धर, महाशून्य छवि और ही पाई, महाशून्य छवि और ही पाई, गुरु घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई, ये सूरत चदरिया ले धोआई, सूरत चदरिया ले धोआई, गुरु घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई, भवर गुफा पर सोहन सोहन, भवर गुफा पर सोहन सोहन, सत्य लोक सत सोहन गाई, भवर गुफा पर सोहन सोहन, सत्य लोक सत सोहन गाई, अलख अगम को देखत देखत, 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 राधा स्वामी चरणन जाए समाई, राधा स्वामी चरणन जाए समाई, राधा स्वामी चरणन जाए समाई, गुरु घाट चलो मन भाई, गुरु घाट चलो मन भाई, जय गुरु दादा, जय गुरु दादा, बहुत सुंदर। आपका भजन हमेशा उच्च कोटि का होता है, इतना भाव उसमें कड़ा है कि हम लोग उसको अगर पकड़ लें और उसको जान लें तो हम लोगों की जो जीवन सुधर जाएगा। बहुत सुंदर ढंग से आप प्रवेशन भी करते हैं और अपने सारे बच्चों के साथ जो प्रवेशन होता है तो उसमें और जो है चार चांद लगा देते हैं। इतना मधुर स्वर, इतना लय, इतना स्वर बहुत मीठा, हम लोग सभी जितने दादा माँ जुड़े हुए हैं सभी उद्भुत हुए, बहुत सुंदर। और आप दादा बहुत इस प्राण भी हैं, बहुत बचपन से ही आप जुड़ गए हैं ठाकुर जी से, हम लोग तो आपसे भी प्रेरणा लेना चाहते हैं दादा। बहुत सुंदर आपका भजन रहता है, मैं जब भी सुनता हूँ मत मुग्ध हो जाता हूँ। आपको परम पिता से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, सारे परिवार के लिए, कि आपको इस प्राण बनाए रखें और दीर्घायु हो और हमेशा इस कार्य में इसी तरह से लगे रहें, हम लोग के बीच में आकर के भजन के माध्यम से, याजन के माध्यम से हम उद्भूत करते रहें। जय गुरु दादा, जय गुरु दादा, प्रणाम प्रणाम। अब इस भजन की अगली कड़ी में अभिजीत कुमार दा जो मुजफ्फरपुर से हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हम लोग बीच में भजन का प्रदर्शन करें। जय गुरु दादा, जय गुरु, सुंदर आवाज आ रहा है आपका। जी दादा, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, परम प्रेम में परम दयाल शिष्य ठाकुर जी, परम आराध्या जगत जननी शिशि बौड़मा, परम पूज्यपाद शिशि बौड़दा, परम पूज्यपाद शिशि आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। भजन दीपाली से एक हिंदी भजन ठाकुर जी के चरण में आज निवेदन कर रहा हूँ।
दादा एक माइक अनम्यूट है। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु विधि विधायक मनुज बन आए। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु विधि विधायक मनुज बन आए। परमानंद मालिक आए, परमानंद मालिक आए, प्रभु हम सब के रक्षक आए। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए। परमानंद मालिक आए, परमानंद मालिक आए। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु विधि विधायक मनुज बन आए। परम पुरुष ज्योतिषमान प्रेम भक्ति तो वरदान। परम पुरुष ज्योतिषमान प्रेम भक्ति तो वरदान। सत्य तू ही जग का, सत्य तू ही जग का, तू ही मेरा एक ध्यान, तू ही मेरा एक ध्यान। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए। परमानंद मालिक आए, परमानंद मालिक आए। माइक बंद कर लें। खोलो नाथ करुणा द्वार, तू ही मंगल तू ही प्यार। खोलो नाथ करुणा द्वार, तू ही मंगल तू ही प्यार। अर्पण करूं चरणों में, अर्पण करूं चरणों में, भक्ति भाव का उपहार, भक्ति भाव का उपहार। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए। परमानंद मालिक आए, परमानंद मालिक आए। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु विधि विधायक मानुष बन आए। धन्य धन्य जीवन मेरा, स्वामी मेरे दास हूँ तेरा। धन्य धन्य जीवन मेरा, स्वामी मेरे दास हूँ तेरा। परमेश स्वस्ति दाता, परमेश स्वस्ति दाता, तन मन धन तुम पे वारा। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए। युग पुरुषोत्तम प्राण प्रिय वर दयाल ठाकुर आए। परमानंद मालिक आए, परमानंद मालिक आए। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु विधि विधायक मनुज बन आए। विश्व अधिनायक आनंद रूप प्रभु विधि विधायक मनुज बन आए। जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय गुरु अभिजीत दा। बहुत सुंदर मधुर और सुरीला आवाज में आपने भजन का प्रदर्शन किया
और आप इस उम्र से ही इतने निखरते जा रहे हैं, इतने स्मरण होते जा रहे हैं, बहुत आगे चल के आप इष्टवान होइएगा, सुंदर होइएगा, और आपको तो प्रवेश में मिला है इस तरह का अधिन करने का। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ परम पिता से कि आपको हर तरह से स्मरण बनाए रखें, दीर्घायु रखें और भक्ति क्रम पर लेकर चलते रहें। जय गुरु दा, जिंदा जय गुरु। मैं अब भजन की अगली कड़ी में हमारे आदरणीय महेश प्रसाद लिमका दा जो अधर्जुग हैं दुर्गापुर से, उनसे मेरा अनुरोध है एक सुंदर सा भजन दें। दादा दादा जय गुरु, आवाज आ रही है? हाँ दादा आ रही है, सुंदर आवाज मिलता है दादा। जय गुरु दादा। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जगत जन्य लखी स्वरूप श्री श्री वर्मा, परम पूज्य आचार्य देव श्री श्री बड़दा, वर्तमान आचार्य देव के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन उपस्थित सभी पंजाब ताप कर्मी दादा दादा माँ बच्चों सबको यथा योग प्रणाम एवं जय गुरु निवेदन करता हूँ। आइए दयाल के चरणों में एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य चंद्र नक्षत्र सितारे चरणों में रहते समाए, धरती गगन अंतरिक्ष भी महिमा तेरी गाथा हर दम गाए। परम दयाल श्री ठाकुर अपनी माँ के गर्भ में आने में जो लेट हुआ, उनको 12 से 13 महीने में प्रवेश किए, वो नक्षत्र में वो घूम रहे थे और वहां तो भक्त लोग नहीं छोड़ रहा था, आने में लेट हो रहा था, इसलिए 13 महीने में माँ के गर्भ में प्रवेश किए। सूर्य चंद्र नक्षत्र सितारे इस चरणों में रहते समाए, धरती गगन अंतरिक्ष भी महिमा तेरी गाथा हरदम गाए। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही श्री अनुकूल चंद्र बन के आए। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही श्री अनुकूल चंद्र बन के आए। पतित पावन सतगुरु ज्ञानी, पतित पावन सतगुरु ज्ञानी, जनयारी चेतने कन कन में समाए। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही श्री अनुकूल चंद्र बन के आए। जो भी जितना साधन भजन किया है, जो भी जितना साधन भजन किया है, उसको प्रभु सूद समेत दिया है, उसको प्रभु ने सूद समेत दिया है। जजन स्मृति सस्तनी सदाचार जो पालन किया है। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही श्री अनुकूल चंद्र बन के आए। पतित पावन सतगुरु ज्ञानी, पतित सतगुरु ज्ञानी, जड़ियार चेतन कन कन में समाए। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही श्री अनुकूल चंद्र बन के आए। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभिधानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब प्रभु तब तब पाप की वृद्धि हुई है। तब तब प्रभु है आए, तब तब धर्म प्रभु है आए, धर्म की रक्षा तब 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 किया है। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही श्री अनुकूल चंद्र बन के आए। पतित पावन सतगुरु ज्ञानी, पतित सतगुरु ज्ञानी, जनयार चेतन कन कन में समाए। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही श्री अनुकूल चंद्र बन के आए।
सिमरन कर ले नाम गुरु का परम दयाल पुरुषोत्तम का सुमिरन कर ले सतगुरु का परम दयाल पुरुषोत्तम का उद्धार जीव जगत के उद्धार जीव जगत के अभय चरण ही है अब ठिकाना रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही श्री अनुकूल चंद्र बन के आयो पतित पावन सतगुरु ज्ञानी पतित पावन सतगुरु ज्ञानी जड़यान चेतन कन कन में समाये रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही श्री अनुकूल चंद्र बन के आए लिमका महेश शरण में है आया इनके सिवा कोई न सहारा मझधार में जीवन कि नैया इसको प्रभु अब पारे लगाना रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही श्री अनुकूल चंद्र बन के आए पतित पावन सदगुरु ज्ञानी पतित पावन सदगुरु ज्ञानी जड़याग चेतन कन कन में समाए रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही श्री अनुकूल चंद्र बन के आयो वही श्री अनुकूल चंद्र बन के आयो वही श्री अनुकूल चंद्र बन के आयो। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। आपने ऐसा भाव विभोर कर दिया हम लोगों को। आप तो बहुत उच्च कोटि के भजन कीर्तन गायक हैं ही और संगीतज्ञ भी हैं और लिखते भी हैं और पूरे संसार में आपका भजन कीर्तन होते रहता है। इतना आप इष्ट प्राण हैं दादा। और आज का जो आपने ऐसा भाव दिया इस भजन के माध्यम से, जो सृष्टि के रचनकर्ता हैं, जो रचे हैं, वही हमारे अभी पुरुषोत्तम के रूप में श्री श्री अनुकूल चंद जी आए हैं। इसलिए हमको उनको पकड़ करके ही लेके चलना है, सब कुछ मिल जाएगा। बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर भाव दादा। जय गुरु। मैं आपके लिए परम पिता से प्रार्थना करता हूँ आपको सताई होने के लिए और हर तरह से स्वस्थ रहने के लिए। दीर्घायु होइए और जो भी आपके बच्चों को परिवार में जो भी आपकी ख्वाहिश है वो सब ठाकुर जी पूर्ण करें, यही मेरी प्रार्थना है। जय गुरु। अब लगता है दादा कमल दा आ गए हैं। कमल दा नहीं आए हैं तो अब मैं उनका भी आजन चल रहा है कहीं पे। अच्छा ठीक है, मालूम था। मैं अब संगीतांजलि का जो है समाप्त करता हूँ और अब इस चर्चा की ओर आगे बढ़ता हूँ। आज के मेरे इमिनेंट स्पीकर आदरणीय डॉक्टर नीलेश श्रीवास्तव SPR जौनपुर UP से हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। ये पटना ऑनलाइन सत्संग में हमारा विशेष समय दे करके हम लोग को अनुग्रहित किए हैं और मैं दादा से अनुरोध करता हूं 50 मिनट आप इस चर्चा करें और साथ साथ अपने अनुभूतियों को रखें दादा। जय गुरु दादा। रंजीत दा माइक बंद कर ले, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। शुरू करें दादा, शुरू करें। परम पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिशु ब्रह्मा चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य शिशु बरदा चरण कोटि कोटि प्रणाम। शिष्य जाति चरण में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग बिहार पटना में उपस्थित ठाकुर जी के सपत्रित्विक आदरणीय याजक गुरु भाई, गुरु माता, बच्चों को मैं जय गुरु। बहुत धन्यवाद आप सबका कि मुझे इस योग को समझा कि मैं चर्चा करूं, अनुभूति बारे में बताऊं। ठाकुर जी तो सब चीज बता के गए हैं, उनके वाणियों में, उनके लिटरेचर में जो हम संग्रहित है, A to Z कह सकते हैं, जो ब्रह्मांड के विषय में हर चीज के बारे में वो अपना आलोचना करके गए हुए हैं।
और अभी हमारे दादा लोग भजन कीर्तन कर रहे थे कि जब जो धर्म की हानि होती है तब तक प्रभु का अवतार होता है, चाहे सतयुग में हो, त्रेता युग में हो, द्वापर युग में हो, इस कलयुग में हो। पुरुषोत्तम, धर्म रक्षा करने के लिए हमेशा अवतरित होते हैं और अवस्थित होते हैं नर रूप में। ठाकुर जी की वाणी है, सभी देवताओं को संहार करके होते पुरुषोत्तम की सृष्टि सहज नर रूप में करते हैं वो धरती की विष्टि। नर लीला पुरुषोत्तम की सर्वश्रेष्ठ लीला है। पुरुषोत्तम जब भी अवतरित हुए हैं पूर्ण अवतार में, अवतारी पुरुष में, तो नर के रूप में अवतरित हुए हैं। स्वयं आके बताते नहीं है वो कि मैं पुरुषोत्तम हूं, मैंने अवतार लिया हुआ है, लेकिन जब वो उनका जो वैशिष्ट होता है, उनका जो कहते हैं चलन होता है, उनका जो बात व्यवहार होता है, तो जो उनके आसपास रहते हैं वो धीमे से पहचान जाते हैं कि पुरुषोत्तम का अवतरण हुआ है। ठाकुर से पूछा गया, ठाकुर सदगुरु की विशेषता क्या होती है? ठाकुर स्वयं बताते हैं, पहला पॉइंट बोलते हैं कि उनकी बातें जितने पूर्ववर्ती के अवतार अवतारी पुरुष हुए हैं उनसे उसके बातों को मेल खाना चाहिए। दूसरा, उनका आचरण व्यवहार चाल चलन वशिष्ठ पाली होना चाहिए, चाहे वो निर्जीव हो चाहे जीव हो, सबके वशिष्ठ के लिए कि ये उनके सोचना वशिष्ठ पाली अपूर्णिमा की तरह से व्यवहार उनका होना चाहिए। उनके स्वयं के भी गुरु होने चाहिए, और जब ये तीन चीजें जिस व्यक्ति में रहती हैं जहाँ रहती हैं वही सदगुरु होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे परमदयाल परमपिता के स्वयं गुरु थे, जोरी महाराज गुरु थे, जो अपनी माता के आदेशानुसार दीक्षा ग्रहण किए थे। हम सभी जानते हैं ठाकुर जी को हम सब लोग वशिष्ठ पाली अपूर्णिमान बोलते हैं, जिनको इंग्लिश में फुल बेस्ट कहा जाता है। जब हम उनको ग्रहण करते हैं तो हमारा अपना वशिष्ठ जो होता है, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, वो पूर्ण हो जाता है। और तो स्वयं बोले हुए हैं, ऑल द प्रोफेट्स आर कन्वर्ज एंड अवेकन इन दैट ऑफ प्रेजेंट लव टू हिम लव टू गॉड इन द वर्शिप ऑफ गॉड। जब सभी देवता को संहार करके सृष्टि पुरुषोत्तम की होती है तो जब उनको ग्रहण करते हैं दीक्षा के माध्यम से बात व्यवहार के माध्यम से नहीं, जो उनका विधि का विधान है उसको मानने से, वो विधान इस समय है दीक्षा लेने का। ठाकुर जी बोलते हैं 12 साल के जब भी बच्चे बच्चियाँ हो जाए उनकी दीक्षा करा दीजिए, और अगर परिवार में दीक्षित परिवार है तो 5 साल में ही ठाकुर जी का नामदान करवा दिया जाए। ये जो विधि ठाकुर जी बताए शिक्षा दीक्षा सुविवाह और सुप्रजनन, जो सूत्र बताए ठाकुर जी समाज को सुधारने का, धर्म को की बातों को बढ़ाने का, अधर्म के राज को खत्म करने का, उसका सबसे पहला सूत्र है दीक्षा लेना। हम जब दीक्षा लेकर अभी अपने पुरुषोत्तम सिख होते हैं तब उनके विधि के विधान को जब मान के चलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं विधि के विधान में बाधा करना ही व्याधि होती है। तो जो विधि ठाकुर जी का विजन जाजन इष्टभूति सदाचार सभी इस प्रति को जानते हैं, जब हम इस विधि का विधान पालन करते हैं तो इसे हमारे आयोजक महोदय संचालक महोदय कह रहे थे कि पुरुषोत्तम जब ठाकुर जी के पास सब आपका संभव हो सकता है, तो वाकई संभव हो सकता है, लेकिन मैं उनसे एक हूँ 100% डिवोशन के साथ। मेरे अंदर कोई भी अविश्वास की भावना नहीं होनी चाहिए। एक इच्छा करते वक्त ठाकुर जी कहते सप्ताह चरण में, एक इच्छा करते वक्त 10 की इच्छा मत कर बैठो, एक का जो चरम हो वही करो सब कुछ पाओगे। ठाकुर जी पुनः सप्ताह चरण कहते हैं कि जब भी प्रार्थना करें ठाकुर जी को तो ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे ठाकुर जी मेरे अंदर आपकी इच्छा ही जो पूर्ण होती है वही मेरे अंदर पूर्ण हो, आपका जो मंगल हो मेरे अंदर पूर्ण हो, आपकी इच्छा को पूर्ण करना ही मेरा मंगल है। जब इस भाव से ठाकुर जी प्रणाम करते हैं, जब इस भाव से ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली दादा बता रहे थे अभी अपने संचालन के उपदन में कि प्रभु तो देने के लिए बैठे हुए हैं, प्रभुता देने के लिए बैठे हुए हैं, मैं कितना पात्र बनता हूँ उसको ग्रहण करने के लिए, ये समझने वाली बात है। एक बार की बात है, एक बहुत पराक्रमी राजा थे, राजा एक बहुत दिन बहुत खुश होते हैं तो सबको जितने मंत्री थे जितने दरबारी थे सबसे कहते हैं कि आज आपको जो कुछ मांगना है मांग लीजिए, आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए। तो दरबारी ने सोचा नहीं मांगा, किसी ने ग्रह
रत्न मांगे, किसी ने कोई राज्य का कोई हिस्सा मांग लिया, राजा सबको कुछ ना कुछ देते चले गए, जो जो जिसने मांगा उसको सब पहले देते चले गए। जो उनका परम सेवक था उसने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं मांगा। तो जब सबका हो जाता है, जब सबका अपनी बातें कह देते हैं, तो सेवक से कहते हैं राजा कि तुमको कुछ नहीं चाहिए, तुम इतनी सेवा करते हो, दिन रात मेरे चार आदमी करते रहते हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तो वो सेवक कहता है कि राजा महाराज अगर आप पसंद है मेरी सेवा से तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ, आपसे एक ही मैं बात मांगता हूँ कि एक बार आप मेरे घर पे आ जाइए, आपके चरण मेरे घर पे पड़ जाए, आपका जो चरण लग जाए मेरे घर से मेरा घर धन्य हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं बिल्कुल सही बात है, तो मेरी चीज इतनी छोटी सी मांगी, मैं हमेशा घर पे आऊँगा। तुरंत राजपूत को बुलाया जाता है, गलत छत्र देख करके समय तय होता है कि आज से 7 दिन बाद जो है वो अच्छा मुहूर्त है, उस दिन हमारे राजा जो है वो सेवक के घर पे जाएंगे। अब राजा को जाना है सेवक के घर में, अकेले तो जाएंगे नहीं, पूरा लाव लश्कर हाथी घोड़ा पालकी सेना सब जाएगी। तब फिर जितने मंत्री थे महामंत्री थे सब भागते भागते उस सेवक के घर पे गए, देने की स्थिति कैसी है, तो देखते हैं कि उसका सेवक का घर बड़ा टूटा फूटा सा है, रास्ता जो है बिल्कुल बना नहीं हुआ है, जो महल राजा का था वहाँ से लेके उस घर तक एकदम रास्ता टूटा फूटा पड़ा हुआ है, रास्ते में कुछ भी चीज़ ठीक नहीं है। तो तुरंत राजा के महल से उस सेवक के द्वार तक एक अच्छी सी सड़क बना दी गई, रास्ता को अच्छे से कर दिया गया, आसपास गमले रख दिए गए, पेड़ पौधे लगा दिए गए। उसी बीच उस सेवक का भी घर को तोड़ करके एक अच्छा सा घर बना दिया गया, साफ सुंदर बढ़िया सा घर बना दिया गया। फिर सोचा गया कि महाराज आएंगे कहाँ कैसे बैठेंगे, जितने फर्नीचर वगैरह होते हैं कुर्सी मेज वगैरह होती है सब उस ला के उसे घर पर ला कर रख दिया गया। फिर सोचा गया कि महाराज जब आएंगे बैठेंगे तो जलपान जरूर करेंगे, तब क्या किया जाए, कौन बनाए कौन पकाएगा। तो तुरंत आलम पालन में अच्छी सी कन्या को देख करके उसे की शादी कर दी गई और उसके पूरे रसोई को सजा दिया गया, बर्तन वगैरह जितने भी खाद्य पदार्थ थे फल फलार सब रखवा दिया गया। 7 दिनों में सारी व्यवस्था पूर्ण हो जाती है। राजा अपने तय समय पे महल से आके सेवक के घर पे आते हैं, वहाँ विश्राम करते हैं, बैठते हैं और चलपान ग्रहण करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। सेवक ने निस्वार्थ भाव से ऐसा नहीं मांगा कि प्रभु मेरे द्वार पे आ जाए, सुदामा का प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति। जब वो पहुँचते हैं श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए, उनकी पत्नी बहुत कहती जाके अपने बार सखा से मिल के आओ, उसे कुछ मांग के आओ, तो मांग नहीं पाते हैं। स्वयं कृष्ण जबरदस्ती उनसे सत्तू लेकर के खाते हैं, तो एक खाया तो एक लोग उनके नाम हो गया, दो लोग खाया दूसरा मुट्ठी खाने गए तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रोक देती है, रुक्मणी जी की क्या करें आप सब कुछ दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे। उसी प्रकार से जब सेवक ने निस्वार्थ भाव से राजा को मांग लिया कि आप स्वयं मेरे घर पर आ जाइए, तो सब कुछ राजा के द्वारा उसे घर में पहुंच गया। तो ये निस्वार्थ भाव है। ठाकुर जी एक बार भक्त से पूछते हैं कि सदगुरु को धरने से क्या होता है, वो गुरु भाई बता नहीं पाते हैं, ठाकुर स्वयं बोलते हैं सदगुरु को धरने से 7 पुस्तक का उद्धार हो जाता है, जो 7 जन्म है हमारे पिछले और आगे आने वाले 7 जन्म है उसका उद्धार हो जाता है। ठाकुर जी पुनः पूछते हैं कि गुरु को देने से क्या होता है, वो भक्त निरुत्तर हो जाता है कुछ बता नहीं पाता है, तो ठाकुर स्वयं बोलते हैं गुरु को देने से घर में कर्म क्षेत्र में शांति रहती है। तो जो हम गुरु के लिए कुछ करते हैं तो हमारे घर में हमारे कर्म क्षेत्र में शांति रहती है, अशांति कोई भी स्थान नहीं होता है। पर बात वही है कि निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। पिछले मंत्र के बारे में आप सुन रहे हो, ठाकुर जी के बाल सखा थे और डॉक्टर भी थे, डॉक्टर क्या करते थे, एक दिन अपने डिस्पेंसरी बैठे हुए होते हैं तो ठाकुर जी सामने से जा रहे होते हैं, तो कृष्ण मंदिर बुलाते हैं ठाकुर आइए आइए, ठाकुर के डिस्पेंसरी पहुँचते हैं, कहते हैं ठाकुर की किशोरी मुझे बहुत भूख लगी है मुझे मीठा खिलाओ, मुझे छेना खाना है। श्रीमद झल्ला के कहते हैं कि ठाकुर सुबह से बैठा हूँ एक भी मरीज नहीं आया हुआ है, कोई आमदनी नहीं हुई, तुम्हें कहाँ से मैं कुछ खिला सकता हूँ। तो ठाकुर कहते हैं अपना बक्सा देखो, क्या पता कुछ आगे पीछे पड़ा हो। अपना कैश बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं कि पीछे की तरफ जो है मुड़ करके एक या दो आना रखा हुआ था।
उसको लेकर के जा करके ठाकुर जी के लिए बुलाते हैं। ठाकुर जी से बहुत प्रेम से उस भोग को खाते हैं। ठाकुर जाने के बाद जो है अचानक मरीजों की बाढ़ आ जाती है और उनकी बहुत आमदनी हो जाती है। अगले दिन फिर ठाकुर निकलते हैं, जो बहुत सोचते हैं कि कल तो बड़ा अच्छा हुआ, ठाकुर ने इसको मैंने खिला दिया छेना, बहुत आमदनी हुई थी, आज भी बुलाता हूँ, आज भी बुलाते हैं। ठाकुर जी आने को मना करते हैं, मने ढंग से जाते हैं, कहीं ठाकुर आप आइए हमारे घर पे डिस्पेंसरी में। ठाकुर आते हैं, बिना ठाकुर के पूछे जाके फट से मिठाई ला के ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। उसके बाद ठाकुर चले जाते हैं। उस दिन उसके बाद एक भी पेशेंट, एक भी मरीज उनके पास नहीं आता है, सात दिन खाली बैठे रहते हैं। तो जो पहले दिन ठाकुर जी के लिए उन्हें मिठाई लेके आए, छेना लेके आए, उन निस्वार्थ भाव से, प्रेम के भाव से लेके आए, और जब दूसरे दिन की बात हुई वो हमें का स्वार्थ छुपा हुआ था। तो पुरुषोत्तम प्रभु तो इस बात को जान जाते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से या किस स्वार्थ से उनको भजना चाहते हैं। तो निस्वार्थ भाव से हम धरेंगे तभी हम कुछ बन पाने की अभिलाषा कर सकते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं धरो बनो, धरो करो बनो पाओ। तो धरने का अर्थ होता है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि पुरुषोत्तम को धरना, धरना केवल दीक्षा के माध्यम से, उनका नाम का जाप करने से, उनके आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से, स्मृति को नियमित करने से, उसको समय से भेजने से, जैसा भी आश्रम से निर्देश मिलता है उस प्रकार से स्मृति को भेजना चाहिए, और जैसा जब भी समय लगे सुस्तने पर जल ग्रहण करना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं कि इस कलयुग में सुस्तने जैसा अमोघ अस्त्र उन्होंने कभी भी किसी युग में नहीं दिया। सुस्तनी की जो पंच नीतियाँ हैं तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर को इष्टमुखी बनाती है, हमारे शरीर में शिवग्रह बन जाता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी स्वयं शरीर में आके स्थापित हो जाते हैं, हमारे मन मंदिर में आके वो हमेशा शिव के रूप में रहते हैं। तो जब स्वयं प्रभु मेरे अंदर है, वास करते हैं, तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। और है सदाचार, सदाचार के बारे में पिछले दो साल से हम सुनते चले आ रहे हैं, जब से कोरोना का ये काल शुरू हुआ है तब से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, एक दूसरे से बच के रहना, दो फिट दूरी बना के रखना, घर से बाहर आते समय हाथ पांव को धो लेना, खाना खाते वक्त, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद को भी हाथ धोना, हाथ नाक आँख नाक में या मुँह में मुँह डालने के बाद को भी हाथ को धोना, स्वच्छ साफ कपड़े पहनना, ये सब ठाकुर जी जो इस समय दो साल से सुनते चले आ रहे हैं, ठाकुर जी अपने जीवन काल में ऐसा 100 साल पहले बता दिए थे कि सदा का पालन करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। सदाचार भी तीन प्रकार का होता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। शारीरिक जो आपने सुना अभी कि हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी हम आचरण कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन का और हाथ धोने वगैरह का, वह शारीरिक सदाचार। फिर आता है मानसिक सदाचार। मानसिक सदाचार वो होता है कि हमारा मन शुद्ध रहे। हमारा मन शुद्ध कैसे रहेगा? हमारा मन शुद्ध रहेगा नाम जप करने से। हमारा मन शुद्ध कैसे होगा? ठाकुर जी का ग्रंथ पढ़ने से, लिटरेचर पढ़ने से। हमारा मन शुद्ध कैसे होगा? ठाकुर जी को ध्यान करने से। ये होता है मानसिक सदाचार। और तीसरा है आध्यात्मिक सदाचार, वो होता है 1.1 डिवोशन। एक बजे सब सब साधे सब जाए। जब हम ये शुद्ध होते हैं, जब हम पुरुषोत्तम जो अवतरित हुए हैं राधा धाम पे, विशिष्ट पालनी अपूर्णवान है, जो वर्तमान के लिविंग आइडियल है, जो जीवन पुरुष है, उनको पकड़ने से 1.1 डिवोशन, एक को पकड़ेंगे, एक को जानेंगे, हमारा जीवन सफल होगा। तो आध्यात्मिक सदाचार बहुत जरूरी है कि मैं 100 के पीछे न भागूं, 100 देवी देवता की पूजा न करूं, सिर्फ एक को मैं जानूं, और जो इस कलयुग के अवतार हैं मैं इनको ही पकड़ के चलूं। तो जो ये सदाचार तीन प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इस सदाचार के बारे ठाकुर जी बहुत पहले बता के गए हुए हैं। जितना हम इस चीज़ का पालन करेंगे, इस नियम को हम अपने मजाकत कर लेंगे, अपने व्यवहार आचरण डाल लेंगे, उतना मैं इष्टमुखी बन जाऊंगा। ठाकुर बोलते हैं कि दीक्षा लेने से पहले हमारा मन, हमारा शरीर जो है या मैं जो हूँ वो मैं अपने आइडिया से संचालित होता हूँ। आइडिया मतलब अपने मन से, अपने विचार से। और दीक्षा लेने के बाद मैं होता हूँ संचालित आइडियल के द्वारा, इष्ट के द्वारा, प्रभु के द्वारा। क्यों? जब मैं उनको ग्रहण करता हूँ तो मेरा इस जो चलन है वो इष्टमुखी हो जाता है, मन मुखी ना होके वो इष्टमुखी हो जाता है। हमारा सब आचरण जो है इस सर्वप्रतिष्ठा के लिए तत्पर रहता है कि मेरे गुरु कैसे खुश हूँ,
मेरे गुरु कैसे प्रसन्न हो, मेरे आचार्य कैसे प्रसन्न रहे, इस बात पर जब हमारा ध्येय रहता है, हमारा हमारा बात व्यवहार चाल चलन जितने भी क्रियाकलाप है वो इससे और रहती है कि मैं इसके स्वयं प्रतिष्ठा कैसे करूं, तो हमारा जीवन जो है सुंदर और सुखमय रहता है। आचार परंपरा जो कभी भी किसी युग में पुरुषोत्तम ठाकुर जी ने नहीं दिया था, इस कलयुग में दिया, इसलिए दिया कि हम अपने जो ठाकुर का बताया नियम है दीक्षा के बाद उससे विच्युत ना हो, उससे भटके नहीं। एक बार की बात है, हरिंदन दादा ठाकुर जी के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी उनसे बोलते हैं कि हरिंदन, आप सभी जानते हैं हरिंदन दादा जो है वो कॉलेज में प्रिंसिपल थे, दीक्षा भी की जब हुई तो तभी वो प्रिंसिपल थे, और उसके बाद ठाकुर जी का बहुत अन्य भक्तों में से हो गए थे। तो हरिंदन दादा जब एक बार प्रणाम करने जाते हैं दीक्षा लेकर उनसे 10-12 साल बाद, ठाकुर कहते हैं कि आप अपनी नौकरी छोड़ करके तो परिवार समेत आ करके आश्रम में रहिए और मेरे साथ रह करके आश्रम का देख रेख करिए। हरिंदन दादा का परिवार बड़ा था, वो सोचते हैं कि अच्छी खासी नौकरी है, उसको छोड़ करके मैं कैसे पुरुषोत्तम के पास आ जाऊँ, मेरा परिवार कैसे चलेगा, परम पुरुषों में कैसे कर पाऊंगा। तो उनकी असमंजस को सोच करके ठाकुर जी बोलते हैं, हरिंदन फील्ड इज एक्सपेंसिव, कल्टिवेटर्स आर फ्यू, बी वन ऑफ देम। जो प्रभु की क्षेत्र है, जो प्रभु का क्षेत्र है उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसमें अपना योगदान देने के लिए कल्टिवेटर्स मतलब कर्मी, जिसको किसान कह सकते हैं सादी भाषा में, कल्टिवेटर्स मतलब कर्मी, वो बहुत कम है। बी वन ऑफ देम, तो उनमें से एक बने, क्योंकि सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है, सर संशय खत्म हो जाता है। और हरिंदन दादा अपने पूरे परिवार के साथ ठाकुर जी के साथ आश्रम में रहने आ गए। हम देख सकते हैं उसके बाद के परिवार में क्या वृद्धि हुई है आध्यात्मिक रूप से, जिस रूप से भी आप देखेंगे, उनके पिता, उनके लड़के श्री लाल दादा, जिसके आप लोग भलीभांति परिचित हैं, और उनके 3 पोते हैं राजू दा, सुदन दा और अजयश दा, आप सब जान सकते हैं कि किस इष्टमुखी परिवार का उनका आचरण रहता है, कैसे रहता है। तो जो वन पॉइंट डिवोशन से अटैच होता है, जो अपने सेंटर से युक्त होता है, ठाकुर जी बोले बी कंसेंट्रेटेड टू एवरी अर्ज ऑफ लव, लव टू हिम, लव टू ऑल। हम अगर अपने प्रभु से युक्त होते हैं, उसे प्रेम करते हैं, तो लव इज लाइफ, लव इज लोर, लव लीड्स लाइफ टू एक्टिव प्रोग्रेस। प्रेम ही जीवन है, और प्रेम ही के द्वारा जो है हमारा जीवन अच्छे से प्रगति भी कर सकता है। प्रेम की प्रतिमूर्ति हमारे परम दयाल है, उनको छोड़ के हमारा कुछ भी भला नहीं होने वाला है। हम जो भी करें उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए करें। ठाकुर जी बोलते हैं सतसंग में, जो भाव व कर्म मनुष्य को कामोखी बनाता है वही वास्तव में आध्यात्मिकता। ठाकुर जी बोलते हैं कि मुझे सन्यासी तो चाहिए, लेकिन वन का नहीं, जंगल का नहीं, मुझे सन्यासी चाहिए समाज का, सांसारिक, जो परिवार में रहे, समाज में रहे, परिवेश में रहे, उसके बाद भी वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक के रूप में जीवन व्यतीत करे। कैसे? हर चीज को कारण समझते हुए कि उसका मूल उद्देश्य क्या है, ठाकुर ने इसके बारे में क्या बताया है, ठाकुर ने इस चीज के समाधान में क्या कहा है, उसको गूढ़ रूप से समझ करके जब हम अपना हर कर्म को, जितने जो भी काम क्रियाकलाप करते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन, सांसारिक जीवन या शारीरिक जीवन जो भी कहेंगे, वो कभी भी क्षय नहीं होगा, उसमें टोटल वृद्धि होती रहेगी। ठाकुर जी बोलते हैं हर कर्मी, हर सत्संगी का एक कर्तव्य है टू फाइट अगेंस्ट, युद्ध करना, इससे डिजीज, डिसइंटीग्रेशन, इग्नोरेंस, पॉवर्टी और डेथ। डिजीज मतलब रोग शोक से युद्ध करना, वो कैसे उसमें हम विजय पा सकते हैं, सदाचार के नियमों का पालन करके। डिसइंटीग्रेशन, विघटन, उससे कैसे विजय पा सकते हैं, जब हम अपने सेंटर से युक्त होते हैं, जब केंद्र से युक्त रहते हैं, तो हमारा विघटन कभी नहीं होगा। डेथ, न मरो न मारो, समस्त मृत्यु को अवरुद्ध कर दो, बहुत ही एक अच्छी सी वाणी है, इसको हम सब समझ सकते हैं कि जब हम यथा समय नाम ध्यान करते हैं, यथा समय जब हम स्मृति करते हैं, तो जो भी अकाल मृत्यु का प्रकोप हमारे जीवन में आ सकता है, वो हमारे जीवन में कभी भी नहीं आएगा। इग्नोरेंस, अज्ञानता,
वो कैसे दूर होती है, तो ठाकुर जी मैंने पहले भी बताया कि हर चीज़ का समाधान बताया हुआ है, संसार के ए टू जेड के बारे में, हर चीज़ के बारे में अवसर प्रसंग में आदि आदि पुस्तकों में दिया गया है। जब उसका पाठ करते हैं, जब उसका हम अध्ययन करते हैं, तो हमारी अज्ञानता दूर हो जाती है, पॉवर्टी, गरीबी या दरिद्रता। हम युक्त हैं पुरुषोत्तम से, तो जो मेरे मंगल होगा वो पुरुषोत्तम अवश्य करेंगे, लेकिन हमको पूरा कंसंट्रेशन से युक्त होना पड़ेगा। इसी पे कहानी याद आती है, ठाकुर जी के बहुत पुराने भक्त थे, लेकिन उनका भी परिवार किसी चल नहीं पा रहा था, तो परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटा बेटी थे, एक बेटा बेटी थे। ये बार ठाकुर जी आके बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, ठाकुर बहुत कष्ट में से जीवन व्यतीत हो पा रहा है, इतना भी पैसा नहीं हो पाता कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ठाकुर कहते हैं कि घर में खाना किससे बनवाते हो, तो कहते हैं ठाकुर खाना तो बनता है चूल्हे पे, उसमें लकड़ी का चूल्हा हुआ करता था, गैस सिलेंडर का व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो कहते हैं चूल्हा जो जला के खाना पकाते हो, उसके बाद जो राखी होती है उसका क्या करते हो, तो कहते ठाकुर जी उसको हम फेंक देते हैं। कहते हैं उस राख से तुम स्तुति करो और नियमित करो। ठाकुर जी का आशीर्वाद ग्रहण करके वो जाते हैं, और ठाकुर जी नियमित पूरा परिवार जो है स्तुति करता है पूरे 30 दिन तक, उस राग को लेकर के ठाकुर बाप प्रसन्न जाते हैं 30 दिन के बाद। कहते हैं क्या है, कहते ठाकुर जी यहाँ की स्तुति है, इसको मैं आपको समर्पित करने आया, मतलब जमा करने आया। कहते हैं कि ठाकुर बोलते हैं ठीक है, तुम्हारे घर पे कुछ खाली जमीन है? कहते हैं ठाकुर हाँ, घर के सामने एक खाली जमीन है, छोटी सी जमीन है। कहते तुम जाओ, इसमें तुम उस जो राख है उस जमीन पे डाल करके उस पर बोड़ा, बोड़ा की सब्जी आती है उसको तुम उगाओ। बंगाली का बोड़ा अलग चीज़ होता है, काफ़ी अच्छी महंगी सब्जी होती है, तो तुम बोड़ा को उगाओ। तब आशीर्वाद के पुण्य चले जाते हैं, जाके इस राख को उस जमीन पे छींट करके उसकी गुड़ाई उड़ाई करते, जो भी विधि विधान होता है सब्जी लगाने का उसको पूरी तरह से पालन करते हैं। तय समय पे सब्जी पूरे अच्छे से पूरे खेत में आ जाती है, सब्जी को पूरा निकालते हैं, बड़ा सब्जी को निकाल करके गोरे भर के ठाकुर जी के पास पहुंच जाते हैं। लगभग पूरा एक बैलगाड़ी की सब्जी हो गई थी उनके पास, पूरी बैलगाड़ी लेके ठाकुर जी पास प्रस्तुत हो जाते हैं। ठाकुर बोलते हैं ये क्या है, ठाकुर जी आपने आशीर्वाद दिया था, आपके स्मृति की राग से ये सब्जी हुई है, तो ये आपकी है, आपको समर्पित करने आया। देखिए कितना सुंदर भाव है, ये सब ठाकुर का, कुछ भी मेरा नहीं। ठाकुर कहते हैं बहुत पसंद होते हैं, कहते हैं ठीक है कुछ सब्जी यहाँ माँ के पास दे जाओ, बाकी ले जाके बाजार में बेचो, और जो पैसा आता है उस पैसे से हमें घर का संसार चलाओ, और आगे भी इसी प्रकार से खेती बाड़ी करके अपने जीवन को व्यतीत करो। तो जो गुरु का आशीर्वाद होता है, जो गुरु का आदेश होता है, जिसने पालन किया वो सफल रहा, जिसने पालन नहीं किया वो सफल नहीं हो पाया। मैंने कई बार देखा है कि चाहे हमारे यहाँ से आस पड़ोस जब हम आशीर्वाद लेने जाते हैं आश्रम में, तो शिष्य दादा थे अभी आचार्य देव हैं, तो जब आशीर्वाद लेते हैं तो लगता है कि बहुत सिंपल सा समाधान दे दिया है, और उसको हम समझ नहीं पाते हैं। उसमें अपना हम लोग अपना दिमाग जब लगाना शुरू कर देते हैं कि हम तो गए थे, दादा ने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, इसको कैसे पूर्ण करेंगे, तो जब इसमें हम दिमाग लगाते हैं तो आशीर्वाद सफल नहीं हो पाता है। उसी में छोटी सी एक मेरे साथ मेरे एक गुरु भाई हैं पास के ही, वो उनकी छोटी सी दुकान थी, दुकान चल नहीं पा रही थी, बहुत वो भी परेशान थे। तो तब शिशी अवसार देव मतलब भगवदा के रूप में थे, तो मैंने बोला कि चलते हैं आप वहाँ आश्रम से ही आशीर्वाद लेके भी बातें बताइए, जो आशीर्वाद मिलेगा उसको उस हिसाब से पूरा किया जाएगा। तो मैं जा नहीं पाता किसी कारण से, वो दादा जाते हैं 3-4 गुरु भाई के साथ चले जाते हैं आश्रम में। शिष्य आचार्य जो वर्तमान के हैं उनसे प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी दुकान चल नहीं पा रही है, और पहले चलती अच्छी चलती थी फिर चल नहीं पा रही है, बड़े परेशान थे वो। तो आचार्य ने सिंपल सी बात बोली, संभव हो सके तो दुकान को बदल दीजिए, इतना ही बोला। लौट के आए तो मेरी बात हुई, तो मैंने पूछा क्या हुआ कैसे ऐसे हुआ, उन्होंने बोला कि संभव हो तो दुकान को बदल दीजिए। मैंने कहा बदल दीजिए,
और वो असमंजस में थे कि आचार्य देव ने एकदम कहते हैं डायरेक्टली नहीं बोला, दुकान बदलने से आपका मंगल हो जाएगा, तो दुकान बदल दीजिएगा तो आपका कष्ट दूर हो जाएगा, शायद ऐसी असमंजस से पड़े होंगे कि इस प्रकार से कुछ बात बोलेंगे, उन्हें बहुत संभव हो तो दुकान को चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। और वो आज तक उसी पशुपेश में दुकान नहीं बदल पाए, दुकान नहीं बदल पाए, उनका कष्ट भी जो कह सकते हैं कि वो इसी प्रकार से उठता बैठता रहता है, परेशान भी रहते, कभी ठीक कभी गड़बड़ हो जाते हैं। तो इस बात मैंने कई बार उसके बाद ही बोला, कोरोना काल लग गया कि पुनः जा करके अपनी इस गलती को आचार्य को बोल करके किसे क्षमा मांग के कुछ जो भी वो कहेंगे आशीर्वाद ले लीजिए, अब कोरोना काल जब ये समाप्त होगा आश्रम खुलेगा तो उनके साथ संभव तो मैं फिर जाके आशीर्वाद लूँगा, दिलवाऊंगा उनको। लेकिन वही बात है, उस बूढ़े व्यक्ति ने ठाकुर का आशीर्वाद को माना, उसकी दलिता दूर हो गई, उसका संसार बढ़े चलने लगा, आगे जाके बच्चे उच्चे पढ़ाई करना शुरू कर दिए, और जिसने नहीं माना उसको दिक्कत हो गई। उसी प्रकार से एक और मेरे साथ छोटी सी एक संस्मरण है, एक बार आज से लगभग 3-4 साल पहले की बात है, एक गुरु भाई राजेश दा का फोन आया था देवघर से, तो राजेश दा रहते हैं शिष्य आचार्य देव के साथ, उनका फोन आता है मेरे पास, कहते हैं कि दादा एक गुरु भाई हैं उनका नाम है प्रभात सिंह करके, वो बदलापुर में रहते हैं मुंबई में, उनका परिवार उनकी शादी लेकिन इलाहाबाद में कहीं हुई है, और वो आचार्य देव को उस समय वायदा के रूप में थे, आचार्य देव को आशीर्वाद के लिए उन्होंने फोन किया था क्योंकि बेटी तबीयत बहुत खराब रहती है। तो आचार्य ने आशीर्वाद दिया है कि आप कह लिए कि आप उस बेटी का इलाज करिए, मेरे लिए मतलब बोलते हैं, मैं पेशेंट सर्जन हूँ, मैं डॉक्टर मतलब ऑपरेशन वाला हूँ। तो मैंने कहा ठीक है दादा, फोन आता है तो देखते हैं, जो भी आशीर्वाद हुआ है उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट डे फोन आता है उस गुरु भाई का, कहते हैं दादा मैं बयान से बोल रहा हूँ, आपका नाम आश्रम से मिला है, आचार्य देव ने बोला है कि शिष्य आचार्य देव ने आप समय साधने के लिए कि आप, तो मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है, तो बोले कि मेरी बेटी है लगभग 7-8 साल की, और लगभग 1-2 महीने से बीमार चल रही है, वो इतनी बीमार हो कि वो चल फिर नहीं पा रही, पैरों में बहुत कमजोरी उसकी हो गई है, वो बैठ नहीं पा रही, चल फिर नहीं पा रही है। तो और अभी वो इलाहाबाद के पास उनका एक गाँव शादी हुई थी, अभी वहीं पर अपनी माँ के साथ रह रही है। तो मेरे दादा संभव हो तो उसको आप मेरे पास भेज दीजिए, क्योंकि बगैर देखे जाने में समझ नहीं पाऊंगा कि क्या उसका इलाज कैसे होना है। तो बोलते हाँ दादा मैं कल ही भेजता हूँ आपके पास। कल बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, वो बच्ची माँ के साथ नहीं आई, मैं भी भूल गया। तो फिर 3 दिन बाद फोन करते हैं सेम गुरु भाई प्रभात जी, फोन करते हैं कि दादा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं चाहती का आशीर्वाद को असुना कर दिया, हुआ क्या कि जब मैंने बोला अपनी पत्नी को ले जाने के लिए तो उसने वहाँ पास में किसी डॉक्टर को दिखा दिया, उन्हें ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, 2-3 इंजेक्शन लगा तो उसको थोड़ा सा आराम मिलना शुरू हो गया, इसलिए वो आज मैंने ढंग से लेके आपके पास नहीं आ पाया। लेकिन 3 दिन बाद फिर तबियत वैसी की वैसी हो गई, तो मैं कल फिर मैं तुरंत भेज रहा हूँ, आपसे जो संभव हो सके उसका ट्रीटमेंट इलाज करवाइए। ठीक दादा आने दीजिए, फिर जो संभव होगा उसको किया जाएगा। हमारे गुरु भाई भी डॉक्टर हैं, जो बच्चे डॉक्टर हैं, उनका नाम डॉक्टर अजीत कपूर है, उनके दीक्षा का 10-12 साल हो चुका है, बहुत अच्छे से वक्त कह सकते हैं डिवोशन के साथ ठाकुर जी से ही रहते हैं। तो जैसे मॉर्निंग फोन आता है कि दादा आपके पास मेरी वाइफ और उनके पिता और बेटी को लेकर के सब पहुँच रहे हैं, लगभग 2:30 बज रहा था और गर्मी का मौसम था, तो मैंने तुरंत फ़ोन किया डॉक्टर अजीत कपूर सर को, जो कि पीडियाट्रिशियन है, बच्चा डॉक्टर है, कि सर ऐसी ऐसी बात है, एक बच्ची दिखाने आ रही है, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र नहीं है देखने का, लेकिन आशीर्वाद हुआ है तो मेरे दिमाग में आपका ही नाम आया है, आप इसको देख लीजिए, जैसा होगा आप ट्रीटमेंट करिएगा। 15-20 मिनट बाद बच्ची अपनी माँ के साथ पहुँच जाती है, मैंने भी देखा उसको तो वाकई बहुत कमज़ोर हो गई थी, उसके पैर में कुछ स्पॉट्स पड़ गए थे, लाल लाल स्पॉट्स पड़ गए थे। तो मैंने तुरंत अपने स्टाफ बगल में ही क्लिनिक है, हमारे घर से 50 मीटर दूरी पर क्लिनिक थी, डॉक्टर साहब की है मतलब, तो मैंने स्टाफ के साथ उनके पास भेज दिया, मैंने फ़ोन भी कर दिया। अच्छा जब राजेश दा मुझे फ़ोन किए थे तो एक बात बोले थे कि शिष्य चार्दे ने बोला है कि इस बच्ची के लाना ट्रीटमेंट देख लीजिएगा। तो जब वो जाते हैं दिखाते हैं तो सर मुझे फ़ोन करते हैं बच्ची देखने के बाद, और उनका एक ही पहला शब्द था, अरे डॉक्टर नीलेश इसका लाना ट्रीटमेंट ही गलत चल रहा था, जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो कैसे ट्रीटमेंट हुआ, इसका लाना ट्रीटमेंट ही गलत। कहते हैं इसको तो खून की बहुत कमी है, ब्लड की काफ़ी कमी है, इसीलिए इतनी वीक हो गई है, बाकी बुखार वगैरह भी है जो है, लेकिन मेन बात है कि ट्रीटमेंट इसका ब्लड लगाने से ठीक हो पाएगा।
आ गया उतनी वहाँ एडमिट रही और उसका इम्प्रूवमेंट बहुत तेजी में हो गया, मतलब 80% वो उसका इम्प्रूवमेंट हो गया बच्चे का विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर। जो 2-3 महीने से परेशान था वो लगभग 3 दिन में बच्ची ठीक होकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद फॉलोअप में दोबारा आती है, ऊपर पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। जो आशीर्वाद था वो अनुशासनवाद होता है। पत्नी ने नहीं माना, अपने हिसाब से ट्रीटमेंट किया, बच्ची ठीक नहीं हो पाई और जब वो दिखाने आई आशीर्वाद को मानी तो ठीक हो गई। और शिष्य चार दे तो जहाँ से हैं वहीं सब कुछ देख लेते हैं, तो दिखा दिशी है और वहीं से देख के बोल दिया कि लाना ट्रीटमेंट देखना। वो जानते थे कि जहाँ जहाँ उसका इलाज हुआ है कोई ढंग से उसका इलाज नहीं हो पाया है। तो ये है प्रभु की और उनकी कह सकते हैं त्रिकालदर्शी दृष्टि, जिसको हम लोग नहीं दे सकते। हमारी दृष्टि तो सीमित है, लेकिन वो कहाँ तक दे सकते हैं जा सकते हैं उसको समझ नहीं सकते हैं। उसी प्रकरण में एक और संस्मरण मेरे लिए है कि जब हमारा ठाकुर जी का यहाँ मंदिर बन रहा था, आश्रम जो अपने सत्संग विहार बन रहा था, तो पहले हमारे पुराने गुरु भाई जो थे एक छोटा सा मतलब एक रूम का मंदिर बनाए हुए थे, उसमें ठाकुर जी की छवि रखी हुई थी, काफ़ी बड़ी छवि थी, मतलब लगभग 10x8 फीट की छवि पेंट करके एक पेंटर्स बनवा के बहुत सुंदर भाव सभा रखते थे और सत्संग में हम लोग वहाँ जाया करते थे। लेकिन जब मंदिर बन गया तो उस छवि को हटा दिया गया था। अब उस छवि को कहाँ रखा जाए, तिरछी छवि थी, इतनी बड़ी छवि थी, पूरा फ्रेम किया हुआ था। जहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर टॉमस वो बनना था वहाँ के लिए तो जो आश्रम से निर्देश मिलता है उस प्रकार से सिंहासन बना, उनकी प्रतिकृति छवि आई ठाकुर ठाकुर शिष्य वर्मा शिष्य आचार्य बड़दा जी की शिष्य दादा की छवि उस समय आई थी। तो अब ये दिमाग में आया कि छवि को कहाँ रखा जाए। ये बात को लेकर के जब हम लोग आश्रम जाते हैं सोचते हैं कि आश्रम कई बार आ जाना हुआ उस बीच में, तो शिष्य आचार्य के माध्यम से सारा पूरा कंस्ट्रक्शन के आशीर्वाद में इनकी दृष्टि के जो भी आशीर्वाद था उसी के द्वारा पूरा हुआ। माझी कह सकते हैं कि आशीर्वाद शिष्य आचार्य का था जो समय के वर्तमान के हैं। तो हम गुरु भाई मेरी वाइफ पंखुड़ी डॉक्टर पंखुड़ी जाते हैं प्रणाम करने के लिए। प्रणाम करके अपनी बात को डॉक्टर पंखुड़ी बोलती है कि जो पहले की छवि ठाकुर जी रखी हुई थी जो पुराने मंदिर में उसका हम क्या करेंगे। तो शिष्य आचार्य उसके नीचे जो मंदिर है उसके नीचे बड़ा सा हॉल बनता है, सत्संग वगैरह होता है। शिष्य आचार्य तुरंत बोलते हैं कि उस छवि को दीवार पर लगा दीजिए, एक बॉक्स टाइप बना दीजिए, पल्ला ऐसे बंद रहे, सत्संग के नाम पल्ला खोल दीजिए, सत्संग के नाम पल्ला बंद कर दीजिए। इतना सुंदर समाधान बताया, इतना अच्छा समाधान बताया शिष्य आचार्य ने कि हम सब की जितनी जिज्ञासा थी, जितना हम लोग परेशान थे कि कैसे क्या करेंगे, उनके एक आदेश उनके एक निर्देश उनके आशीर्वाद से वो चीज उसका समाधान मिल गया। तो सब चीज का समाधान उनके पास है। हम किस भाव से जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, किस भाव से जाकर उनसे हम अपनी प्रार्थना को कहते हैं, किस भाव से जाकर के अपना निवेदन करते हैं, वो उसी भाव से उसको ग्रहण करते हैं। हम लालच के भाव से जाकर प्रार्थना करेंगे, लालच के स्वरूप में कुछ मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसे प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना सफल नहीं है। शिष्य चादर जो वर्तमान के हैं वो बोलते हैं हमेशा निष्काम प्रार्थना करनी चाहिए, निष्काम प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, स्वयं के लिए कुछ मत मांगो, स्वयं के लिए मांगोगे तो फिर सफल नहीं हो पाओगे। शिष्य चादर ने ही एक कहानी बताई थी, जब वो जब स्वदेशा परिक्रमा कर रहे थे पहले, जब वो दीक्षा की परिक्रमा चल रही थी शिष्याचार्य देव की, तो लखनऊ में आए थे, उन्होंने एक कथा बताई थी। वो बताते हैं कि एक रागी जा रहा था अपने घर पे, अपने काम से, अपने गांव से, अपने मतलब जहाँ पे कार्यक्षेत्र था वहाँ से अपने गांव जा रहा था। काफ़ी लंबा रास्ता था, वो थक जाता तो उसके विश्व दिखाई पड़ता है, पेड़ दिखाई पड़ता है, उसकी जगह बैठता है तो सुस्ता लेता है तो बहुत तेज भूख लगती है, लगी होती है उसको, खाना जो था उसके साथ में खत्म हो चुका था और आगे रास्ता काफ़ी लंबा था। तो सोचता है कि बड़ी भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता बड़ा ही आनंद हो जाता। वो वट वृक्ष था, उसके लिए बैठ के आप कुछ भी मांगिएगा तो वो आपको वट वृक्ष दे देता, ऐसी मान्यता है। जैसे इस चीज़ को उसने सोचा, वट वृक्ष ने तो उसके सामने जो है एक अच्छे से थाल में पूरा कंद मूल फल वगैरह खाना आ गया। उसे देखा पड़ा पर बहुत ही भूल लगी, खा लिया।
खा लिया, उसको नींद आने लगी। सोचा कि एक अच्छा सा बिस्तर मिल जाता, खाट मिल जाती तो विश्राम कर लेता, जमीन पर बड़ा लेटने में उसको दिक्कत हो रही थी। इसे सोचता है सुंदर बिस्तर आके प्रस्तुत हो जाता है। जैसे लेटने को होता है दिमाग में आता है जो मैं बोल रहा हूँ सब बात सत्य हो जा रही है, ऐसा तो नहीं इस पेड़ के ऊपर कोई भूत है आके मैं गला दबा ले। जैसे बात सोचता है वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वही है कि प्रार्थना समझ के बूझ करके जान करके करनी चाहिए। जब इस बात को हम समझ सकते हैं जान सकते हैं, उषा निशा मत साधे चला फिर जब मतलब इस देश पालन मूर्त कराए तब इस मूल मंत्र को जब हम जानेंगे कि चलते फिरते नाम जप करना है, यथा समय ध्यान करना है, और जब यथा समय आचार्य का आश्रम से जो निर्देश आता है उसको पालन करना है। उसी निर्देश के बारे में आप स्वयं सब जानते हैं, कोरोना काल जब शुरू हुआ हम सबको स्मृति भेजनी पड़ती है नियमित समय पर बैंक के द्वारा, जैसे भी पूजा केंद्र खुला था उसके द्वारा भेजनी पड़ती है आश्रम पे। नहीं तो ठाकुर जी बोलते हैं तीसरी स्मृति नहीं पहुंचेगी तो वो पूर्ण स्मृति नहीं मानी जाती है। अब कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन चला हो गया, तो कैसे स्मृति भेज सकते थे। तो शिष्य आचार्य ने दादा ने उस समय समाधान दिया कि स्मृति को अपने पास में ही ठाकुर आश्रम पे अच्छे से रख के उसको सुंदर भाव से रखिए। आगे जो भी फिर हुआ आश्रम खुला फिर भेजा गया फिर बीच में बंद हुआ, तो ये जो निर्देश है जो आचार्य माध्यम से हमको मिलता है उसको मूर्त कराना ही तप है। चाहे स्मृति का हो, चाहे सत्संग किसी क्रियाकलाप के बारे में हो, चाहे उत्सव के बारे में हो, जिसके बारे में भी हो, जो भी निर्देश आदेश मिलता है औषधि निशा सम्मत साधना चलते फिरते जब, जब इस चीज को हम मानते हुए चलते हैं तो हमारा उद्देश्य सफल होता है। हम इष्टमुखी चरण में रहते हैं, अपने गुरु से युक्त रहते हैं और सेंटर से हमें अटैच रहते हैं। अपने गुरु से युक्त रहिए, सेंटर से अटैच रहिए, अपने परिवार में जो भी दीक्षित नहीं हुए हैं उनको दीक्षा कराने की जल्द से जल्द कोशिश करिए, ताकि मेरे अपने बचने से नहीं काम चलने वाला है। जब तक परिवेश नहीं बचेगा, आइडियल आई एन एनवायरमेंट, जो भी वहां क्रियाकलाप हो वो तीन चीजों पुष्ट करना चाहिए। आइडियल मतलब मेरे गुरु, आई मतलब मेरा परिवार, और एनवायरमेंट परिवेश। जब परिवेश को हम नहीं बचाएंगे, जब परिवेश को हम पोषण नहीं देंगे, तब तो मेरा अपना बचना बढ़ना पूर्ण नहीं सकता। अपने बच्चा सबको बचाना इसको तुम धर्म समझना, धर्म बच्चे बच्चे समुदाय को धर्म न कहते, ठाकुर जी की वाणी है जो सतासव में लिखी हुई है। तो परिवेश के साथ रहिए, परिवेश का पोषण करिए, स्वयं का पोषण करिए, और सबसे ऊपर अपने गुरु को रखिए, ठाकुर को रखिए। जब ये चीज हमारे बात व्यवहार में, हमारे क्रियाकलाप में, आचरण में आ जाती है, तो मेरा मंगल, मेरे परिवार का मंगल, समाज का मंगल, फिर राष्ट्र का मंगल। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी जुड़े हुए हैं सभी जीवन के ठाकुर जी पता करता हूँ। ठाकुर जी आप सभी का जीवन मंगल करें, सब लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग ठाकुर जी के इस कार्य में अपना योगदान यथा संभव करते रहें। जय गुरु मंदिर पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत ही अद्भुत इस चर्चा दादा आपका, बहुत सुंदर। इतने शुरू से आपने प्रारंभ किया कि धर्म की जब जब हानि होती है तब हमारे प्रभु अवतरित होते हैं इस धरती पर, यहीं से प्रारंभ किया आपने। बहुत सुंदर, हम लोग बहुत उद्भूत हुए हैं। आपने बहुत कुछ कह दिया इस 50 मिनट के समय में, 5 घंटे का हम लोगों को एक दे दिया विषय चर्चा के लिए। यानी आपने यह भी कहा, एक राजा के बारे में कहानी के माध्यम से, ये एक सेवक था उनका जो बहुत प्रिय, वो सब कुछ को दान करते गए, सब कुछ दान करते गए, लेकिन अपना जो सेवक था, जो बहुत सेवा करता था, वो कुछ मांग ही नहीं रहा। तो बोला कि भाई तुम क्यों नहीं मांग रहे हो? तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक ही चाहिए कि आप मेरे घर पर पहुंच जाएं। तो इतना मांगने से उनको सब कुछ मिल गया, हर कुछ मिल गया, जो कहानी के माध्यम से दादा हम लोगों को उद्भूत किए। फिर यह भी जो है बताया दादा कि सदगुरु को धरने से 7 पुष्पों का उद्धार होता है, बहुत बड़ी बात का। और दूसरा ये भी कहा कि सद्गुरु को देने से हमें हर तरह का शांति प्राप्त होता है, आशीर्वाद मिलता है। तो ये 2 बात हम लोग को, जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, इसको जरूर रखें याद, अपने ध्यान में, अपने आचरण में उतारें। और कोई भी चीज सेवा अगर किसी को करना है, निस्वार्थ भाव होना चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं हुआ। ये कहानी के माध्यम से इसको भी इन्होंने स्पष्ट किया है।
फिर इस स्मृति पर बहुत विस्तार से हम लोगों को बताया कि समय पर स्मृति करना चाहिए, समय पर आश्रम में स्मृति को भेजना चाहिए, सब कुछ इसी में है। और इस मंत्र साधना हमेशा करते रहना है और इसी से हमारा सब कुछ मूर्त होगा। विधि विधान जो हमारे प्रभु ने जो बनाए हैं उस पर हम सबों को चलना है। और जो सदाचार के बारे में भी कहा, तीन तरह के सदाचार, एक शारीरिक संचार सदाचार, मानसिक सदाचार और आध्यात्मिक संचार, इनकी भी बहुत स्पष्ट व्याख्या की है कि और इस कोरोना काल में ये सदाचार का अद्भुत हम लोग को निकल गया कि दादा हमारे प्रभु 100 वर्ष पहले से ही इसको बतला दिए थे कि हमको कैसे रहना चाहिए इस सदाचार के माध्यम से। फिर हमारे इस पुरुषोत्तम समय में हमारे जो आचार परंपरा का जो चलन है, तो आचार में हमारे सब कुछ निहित है प्रभु, और आचार का दिशा निर्देश जो भी मिलता है हम लोगों को, किसी को भी गुरु भाई को पालन करना चाहिए और उससे सब कुछ पूर्ति होगा। कभी भी कई कहानियां का इसमें उल्लेख करते हुए हम लोग को समझाया है इन्होंने, स्पष्ट किए हैं कि कभी भी हमारे आचार का, आचार देव का निदेश आदेश पालन करना ही चाहिए, उसको अनसुना नहीं करना चाहिए। फिर अपने, इन्होंने भी कहा कि अपने परिवर्तियों से लड़िए, युद्ध कीजिए और उसको भगाइए। जब तक प्रवृत्ति से नहीं लड़िएगा, नहीं युद्ध होइएगा, तो आप प्रभु के प्रति आकर्षित नहीं हुईगा, प्रभु के प्रति आपका प्रेम नहीं जागृत होगा। इसी में हमारे मंत्र को स्वीकारते हुए बहुत इस प्रसंग बहुत अच्छा रखे दादा, अति सुंदर, अति विशेष, बहुत कुछ आपने अपने अनुभूतियों के साथ ठाकुर भावधारा पंचनीति के बारे डिटेल बताया। दादा हमारे ठाकुर के अनन्य शिष्य तथे आरस बलगामिदा के दामाद हैं, जिनसे हमारा संबंध बहुत पूर्व से रहा है। तथे बलगामिदा हमारे बिहार से आवास में आए थे, सत्संग में रात्रि विश्राम किए थे, उन्होंने बहुत सारे घटनाओं को अपने जीवन को सुनाए थे। हमेशा दादा से मिलके मैं आनंद प्राप्त होता था, उसके बाद उनके पूरे परिवार से मिलते रहे। दादा को जब मैं भी आमंत्रण करता हूँ श्रीवास्तवदा त्वज जुड़ के आते हैं, हम लोग को उद्भुत करते हैं, तो ज्ञातों चरण में निवेदन है नीरज श्रीवास्तवदा का जीवन आनंदमय हो, प्रभु की अपार कृपा मिलता रहे, एक से एक अनुभूति को सुनाकर ठाकुर भावधारा को व्याख्या कर हम लोग को उद्भुत करते रहे। इस मंगल कामना के साथ तथे नीरज श्रीवास्तवदा को जय गुरु अति सुंदर अति विशेष। इस प्रसंग आपने कहा बिल्कुल, मैं चौधरी जाना कहा 50 मिनट में अब 5 घंटे का मटेरियल हम लोग को दे दिए, जय गुरु, जय गुरु, धन्यवाद। इसके साथ दिनेश चौधरी दास अनुरोध करता हूँ आगे परिचालना करेंगे। जय गुरु दादा, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। अब आगे मैं जय राधे राधे के लिए श्री आदरणीय दिवाकर झा दास दिल्ली से अनुरोध करता हूँ कि जय राधे राधे का प्रवेशन करें। जय गुरु दादा, आवाज आ रही है दादा? हाँ दादा आ रही है, सुंदर आवाज। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे, राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे, छाड़ो रे मन कपट चतुरी बदन बालो हरि हरि, हरि नाम परम ब्रह्म जीवेरी मूल धर्म अधर्म कुकर्म, छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे, छाड़ो रे मन भवेरु आशा अजो पना में करो रे निशा, राधे गोविंद नाम टी बदन लइए नयन निरे सदा भाषो रे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे, राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालू रे,
ছাড়ো রে মন কপট চাতুরী বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরি মূল ধর্ম আধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবির আশা অজপ নামে করো রে নিশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদন লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে जय गुरु दादा बहुत सुंदर किए। अब धोनी के लिए आदरणीय जनक प्रसाद सिंह दास अनुरोध करता हूँ, अभी रुक जाइए, आदरणीय श्री जनक प्रसाद सिंह दास एसपीआर पटना से मैं अनुरोध करता हूँ कि धोनी दें और प्रतिध्वनि श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह दा देंगे। जय गुरु दादा, जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेमस्य श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेमस्य श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेमस्य श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाध्याय जगत जननी श्री श्री बाल माँ की जय। परमाध्याय जगत जननी शिशु गौड़ माँ की जय। परमाध्याय जगत जननी शिशु गौड़ माँ की जय। परम पूज्यपाद शिशु बल दा की जय। परम पूज्यपाद शिशु बल दा की जय। परम पूज्यपाद शिशु बल दा की जय। परम पूज्यपाद शिशु आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद शिशु आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे आर्य पितरं वंदे आर्य पितरं वंदे मातृवर्गान वंदे मातृवर्गान वंदे अहं कृष्ण देवतां वंदे हम कृष्ण देवतां वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। सभी माता दादाओं को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। दिवा